नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। हर साल की तरह इस साल भी देश भर में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर मुहर्रम के मातम का एहतमाम किया गया। अगर बात राजधानी लखनऊ की कहें तो यहां मुहर्रम के 10वीं तारीख को यौमे आशूरा के जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मातम करते नजर आए। इस दौरान लोग गमजदा होकर हजरत इमाम हुसैन की याद में रोते हुए नजर आ रहे थे। यूं तो मातम सफेद और काले कपड़े में लोग करते नजर आ रहे थे, पर तभी सबकी नजर एक ऐसी जगह ठहर गई जब एक व्यक्ति बड़े बाल खोले हुए भगवा कपड़े पहने हुए नजर आया, जो माथे पर लाल तिलक लगाकर जब एक हिंदू या अली और या हुसैन के नारों की आवाज बुलंद करते हुए मातम करते हुए दिखा। आपको बता दें कि लखनऊ में 10वीं मुहर्रम पर जुलूस के दौरान जब शिया समुदाय के लोग लखनऊ की सड़कों पर मातम मना रहे थे, उस वक्त शिव स्वामी सारंग भी वहां माथे पर तिलक लगाए मातम मनाते नजर आए और उन्होंने या अली या हुसैन के नारों के बीच अपने गम का इजहार किया, जो हजरत इमाम हुसैन को खिराज अकीदत पेश करते हुए सभी धर्म के लोगों से इस तरह के आयोजन में शामिल होने की अपील करने के साथ साथ और लखनऊ में मुहर्रम के जुलूस में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देते नजर आ रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्वामी सारंग हिंदू धर्म के सभी त्योहार मनाने वाले हिंदू हैं, लेकिन मुहर्रम के समय इमाम हुसैन की याद में मातम में शामिल होते हैं। हजरत इमाम हुसैन की जीवन शैली, उसूलों और सत्यता के लिए दिए गए बलिदान से प्रभावित होकर उन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते पर चलने का फैसला लिया है। प्रयागराज में एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे 45 साल के स्वामी सारंग एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचाने जाते हैं। राजस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद 20 वर्षों से स्वामी सारंग लखनऊ में रह रहे हैं। उन्होंने इमाम हुसैन पर अध्ययन किया है। वे पिछले 10 वर्षों से मुहर्रम के जुलूस में शामिल होते और मातम मनाते आ रहे हैं। इस मौके पर सी न्यूज भारत पर बोलते हुए स्वामी सारंग ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर अमन शांति कायम करना है। इसके लिए वह इमाम हुसैन के किरदार को आगे रखकर कार्य कर रहे हैं। स्वामी सारंग कहते हैं कि जिस तरह इमाम हुसैन के शोक में पूरा शहर डूब जाता है और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। हक व सच्चाई का जालिम से मुकाबला सिर्फ शिया मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक संदेश देता है कि यदि कहीं जुल्म हो रहा है तो उसका संबंध यजीद से है और कहीं इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है तो उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इमाम हुसैन से है। इसलिए वो भी मातम करके अपने खून का पुरसा देते हुए इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ उद्देश्य केवल मानवता की रक्षा करना है और अमन चैन फैलाते हुए सबको इंसानियत का पाठ पढ़ाना है। देखिए, मैं तो रिवायतन मैं पीछे काफी करीब 8-10 सालों से मैं लगातार मैं शांति का संदेश देता हूँ। जिस तरीके से महाभारत हुई, धर्म पे अधर्म हारा धर्म जीता, उस तरीके से जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा हैं और जिनको पानी मिला वो मर गए। तो करबला एक विश्व शांति का संदेश देती है। इमाम हुसैन सलाम की जो कुर्बानी है, जो उन्होंने अपने खानवादे के साथ करी, वो विश्व की सबसे बड़ी कुर्बानी है। और रिलीजन तो परसेप्शन है, आप रिलीजन को मतलब वट एवर यू परसीव दैट इज़ द रिलीजन। आपने इनके बाद मुझसे पूछा ये आपका रिलीजन था, आपने उसको परसीव किया, तो मैं किसी रिलीजन के तहत मैं नहीं, मैं एक शांति का संदेश समाज में हम सब लोग मिलजुल के रहें, एकता की इससे बड़ी मिसाल समाज में क्या होगी कि मैं मतलब कि फर्श अज़ा पे आके बैठता हूँ, मैं यहाँ पे खून का पुरसा देता हूँ और जनाब अपने संरक्षण में मुझे मेरा गिरबुआ वापस पहना के मुझे देते हैं। ऐसे ही अमनो चैन देश में बना रहे, विश्व में बना रहे, प्रदेश में बना रहे, आपकी आने वाली नस्लें शांति से रहें, कोई खलफिशार ना हो और सिर्फ एक धर्म को माने जो इंसानियत हो। इस पर मेरा आपसे रहेगा कि यहाँ पर आपने बातें कही, जिसी शांति की बात कही, अहिंसा की बात कही, इस्लाम धर्म के बारे में बातें कही, हमने देखा है अगर बकरीद की बात करें, ईद की बात करें, लोग शरीक होते हैं, पर हमने यहाँ पर आपको आपने बताया, हमको मुझे जानकारी मिली 10 साल से आप यहाँ पर शरीक हो रहे हैं, मातम में शरीक हो रहे हैं, कुर्सा दे रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं? महसूस तो गम करते हैं हम यहाँ गम, इट्स नॉट ए फेस्टिवल, वी आर हियर फॉर द मॉर्निंग। अभी एक आपके पत्रकार भाई ने पूछा आपको कैसे खुशी हो रही है, खुशी कैसे हो सकती है? जो महसूस तो गम करते हैं, हम गम में हैं, हम गम में पूरी कौम के साथ हैं, हम गम में जनाब के साथ हैं, हम इमाम हुसैन के गम में हैं। पर उस गम से जो शांति का संदेश जो निकल के जाता है, उसमें अगर मेरे खून की छींट है, वो समाज में नींव की ईंट की तरह काम करती है। हर बार का एक संदेश होता है, आपका संदेश क्या है?
मेरा संदेश यही है जो मैं आपको पहली बार पीछे बातें जो मेरी सारी बातें हैं वो एक एक बात एक एक कॉलम सिर्फ समाज के लिए संदेश ही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।